नमस्कार, मैं धीरज सिंह, आप देख रहे हैं दी जेड प्लस। सुशांत सिंह राजपूत केस में अब सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जांच की हरी झंडी मिल चुकी है। इसके बाद की आगे की क्या कार्रवाई हुई, किस तरह से सीबीआई पहला कदम क्या होगा, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील ज्ञानेंद्र मिश्रा जी हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल चुकी है जाँच के लिए, आगे का क्या प्रोसीड्योर होगा, किस तरह से सीबीआई पहला कदम उठाएगी? हाँ, तो अब मैटर जो है पूरी तरह से सीबीआई के पास है और कोर्ट ने मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस दोनों को ये डायरेक्शन दिया है कि जितने भी इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुए हैं और जो भी एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं वो सारे इमीडिएटली सीबीआई को हैंडओवर किए जाएं और सीबीआई अब इस मैटर को इन्वेस्टिगेशन अपने तरह से करेगी। तो कल शायद मुंबई जाएगी सीबीआई की टीम। तो अब ये है कि अब सीबीआई के पास इन्वेस्टिगेशन का पूरा राइट है और सीबीआई अब अपने तरह से नए सिरे से इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को करेगी, जिसमें वो क्राइम सीन को क्रिएट करना और सब कुछ करना, वो सारी चीज़ें अब सीबीआई खुद अपनी तरफ से करेगी इन्वेस्टिगेशन। इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस और बिहार पुलिस की भी कुछ क्या भूमिका होगी या फिर उनकी भूमिका अब खत्म हो चुकी है क्योंकि सीबीआई जांच पूरी तरह से अपने अंदर मामले को ले चुकी है? हाँ, अब मुंबई पुलिस और पटना पुलिस की इसमें कोई खास भूमिका नहीं बची है। अब उनकी भूमिका बस इतना है कि उन्होंने जो भी अभी तक इन्वेस्टिगेशन किया है या जो भी एविडेंसेस अभी तक कलेक्ट किए हैं वो सारे वो इमीडिएटली सीबीआई को हैंड ओवर करें और अब सीबीआई एम्पावर्ड है अपनी तरह से, जैसे मैंने कहा, पूरे नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। मामले की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को बताया जा रहा है, तो सीबीआई का पहला कदम रिया चक्रवर्ती को लेकर क्या होगा, किस तरह का रुख उनके प्रति अपनाई जाएगी? नहीं देखिए, हाँ, अब रिया चक्रवर्ती को तो जो पटना पुलिस का जो FIR है उसमें तो रिया चक्रवर्ती को ही एक्यूज़ बनाया गया है, लेकिन अभी यह है कि अब सीबीआई फिर से इस मैटर्स का इन्वेस्टिगेशन करेगी और सीबीआई को कोई ऐसा स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन कोर्ट ने नहीं दिया है कि आपको सिर्फ रिया चक्रवर्ती का इन्वॉल्वमेंट ही देखना है। तो सीबीआई इसको अब, जैसा मैंने कहा, अब एक बिल्कुल नए सिरे से करेगी कि ये सुसाइड है या मर्डर है या इसमें कोई और एंगल है, और अगर ये है तो कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, क्या 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 इसके सर हैं, वो सारा इन्वेस्टिगेशन करेगी। ऑब्वियसली रिया चक्रवर्ती की भूमिका भी इसके जद में होगी, पर ऐसा कुछ नहीं है कि सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन सिर्फ रिया चक्रवर्ती के रोल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ही किया गया है। ये एक बिल्कुल नए सिरे से ओपन इन्वेस्टिगेशन है और जिसको सीबीआई करेगी। मामले में ईडी से भी पूछताछ की जा, ईडी भी पूछताछ कर रही है रिया चक्रवर्ती से, सीबीआई को भी जरूरत पड़ेगी, तो क्या सीबीआई इस मामले में हिरासत में ले सकती है रिया चक्रवर्ती या फिर गिरफ्तारी, क्या प्रावधान रहता है इसमें? नहीं, सीबीआई को राइट है, सीबीआई अगर इन्वेस्टिगेशन करती है और उसके सामने कुछ ऐसा मटेरियल आता है तो वो अरेस्ट कर भी सकती है। अच्छा। लेकिन अभी मेरे हिसाब से ये कहना प्रीमेच्योर होगा कि सीबीआई रिहा चक्रवर्ती को इमीडिएटली अरेस्ट करेगी। अच्छा। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी उनको कोई इमीडिएट अरेस्ट करने की ज़रूरत है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि अब रिहा चक्रवर्ती को सीबीआई के साथ पूरा कोऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि उनके सामने जो भी लीगल ऑप्शंस थे अब वो क्लोज्ड हो चुके हैं। उन्होंने स्पेसिफिक प्ली लिया था सुप्रीम कोर्ट में कि मैटर सीबीआई को नहीं दिया जाए, मुंबई पुलिस से ही इन्वेस्टिगेशन कराया जाए, जो मामला अब ख़त्म हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। तो अब रिहा चक्रवर्ती के पास लीगल ऑप्शंस बहुत लिमिटेड रह गए हैं। अब उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि वो सीबीआई के साथ सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरह कोऑपरेट करें और सीबीआई को सच्चाई जानने में और उस पूरे मैटर्स को यू नो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने में मदद करें। एक आखिरी सवाल है कि क्या इस मामले में रिया चक्रवर्ती जो पहले से बयान देती आ रही थी कि मुझे सीबीआई जांच नहीं चाहिए, महाराष्ट्र पुलिस पर विश्वास है, नीतीश कुमार को जिस तरह से उन्होंने एक कटघरे में खड़ा किया कि बिहार चुनाव को लेते हुए, तो इस मामले में क्या उन पर कुछ कार्रवाई की जा सकती है? नहीं देखिए, ऐसा है कि एज एन इंडियन सिटीजन उनको ये राइट था। अच्छा। उन्होंने ये राइट सुप्रीम कोर्ट में एक्सरसाइज करने की कोशिश की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्पेसिफिकली कहा कि मैटर को सीबीआई को देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुंबई पुलिस इस मैटर का इन्वेस्टिगेशन करे। पर इंटरेस्टिंगली शुरू में उन्होंने खुद भी सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की मांग की थी। तो कोर्ट ने कहा कि ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए उनके इस प्ली को कोर्ट ने रिजेक्ट किया। कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा कि इस मैटर का सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन किया जाए। तो इससे पहले उन्होंने जो भी बातें कहीं
और जो भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का उन्होंने विरोध किया और जो भी उन्होंने पटना पुलिस के बारे में बोला, अब ये सारी चीज़ों पे आज चैप्टर क्लोज हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सीबीआई को मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, अब सीबीआई इस मैटर्स का फुल थ्रॉटल इन्वेस्टिगेशन करेगी, फुल फ्लेज इन्वेस्टिगेशन करेगी। और रिहा चक्रवर्ती के ये इंटरेस्ट में है कि वो इस इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरह कोऑपरेट करें, बिकॉज अगर वो नॉन कोऑपरेशन करेंगी तो ये उनके लिए इसका कॉन्सिक्वेंसेस अच्छा नहीं होगा। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।